अभी स्टूडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप स्क्वायर रूट ऑफ 35 कैसे फाइंड करें। तो स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, अपना अंडर रूट से लिखते हैं, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका घात 1/2। तो हमने 35 के यदि गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 7 आएगा। तो इनका अलग अलग अंडर रूट लिखा जा सकता है, दोनों प्राइम नंबर है, यानी हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा विधि काम में लेंगे, डिवीजन मेथड। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए स्क्वायर रूट बाय सुरेंद्र खिलरी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये कितना है 35, इसके लिए 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने पर इससे बड़ा ना हो, लगाओ दिमाग। तो जैसे हमने 5 × 5 लिया, इसको लिया 5 को, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, अगले स्टेप में इसको जोड़ना है और इसको घटाना होता है। ठीक है, 0.00 इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, यस। आगे के 0 को काम में लेने के लिए इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाता है और ये 0। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है भाई, संख्या 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या लें कि इससे बड़ा ना हो, लगाओ दिमाग, सोचो, सोचना होगा हमेशा, जब भी लगाओ दिमाग यानी सोचना है। तो जैसे हम इसके साथ 9 लिखते हैं, 9 का गुणा करते हैं तो 9×9 = 81 और 9 आ गया, कितना आ गया, 981, 1000 से बड़ा नहीं है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक संख्या लेना है, 1 से 9 तक। ठीक है, तो अब हमें 9 को लिया है तो ऊपर लिखना होगा, जोड़ना है और घटाना है, कितना आ रहा है घटाने पे, 9, 1 और ऊपर से हमने 2 0 यहाँ ले आने, जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका। अब इसके साथ 2 लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 1 लिया, 1 का गुणा किया, इसको लिया 1 को, तो यहाँ लिखेंगे कितना आ रहा है, 1 8 1 1, फिर वही घटाना है जोड़ना है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया आपके आगे चलती रहेगी। यह जो वैल्यू निकला है कितना, 5.91। ठीक है, यह आपका स्क्वायर रूट ऑफ 35 है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से आप यदि इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगी।